नमस्ते दोस्तों, मैं हूं न्यूज़मैन और आज मेरे पास यूट्यूब कम्युनिटी से बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पूरव झा के बारे में। क्या पूरव झा जेजी कम्युनिकेशन पर पैरोडी वीडियो लेकर आने वाले हैं? यस गाइस, कल पूरव झा जेजी कम्युनिकेशन पर एक रील पोस्ट किए थे जिसका कैप्शन था, बेस्ट कॉमेंट वालों को मिलेगा जेजी कम्युनिकेशन की तरफ से लैपटॉप सपने में। आप पहले वो रील देखिए। सबको गिफ्ट मिलेगा, जैसे कि मुझे पता है तुम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हो, तो तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो। पूरी दुकान खाली कर दी है तूने। मुझे दुकान दुकान कुछ नहीं चाहिए खटाना भाई, मेरे फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए बस। मुझे गन्ने पे नहीं बैठना, जेजे कम्युनिकेशन के बस फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए, बस फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए खटाना भाई, मेरे फॉलोअर्स रुकने नहीं चाहिए। गांड मैंने सब कुछ आप ये बताओ, मेरे को फॉलो करते हो? करता हूँ। हाँ तो ये लो गिफ्ट लो, मेरी दुकान। थैंक यू। धीरे धीरे करके एक दिन अपना पूरा शरीर गिफ्ट कर दूंगा लोगों को, और उस दिन देखना मेरे रोनाल्डो से भी ज्यादा फॉलोअर्स होंगे। जेजे कम्युनिकेशन। सो इस पे जेजे कम्युनिकेशन के मनीष जैन का भी कमेंट आया है। वो कहे, वेरी नाइस पूरव भाई, आपको जेजे कम्युनिकेशन की तरफ से आईफोन 16 प्रो मैक्स गिफ्ट। देन इस पे पूरव झा का भी रिप्लाई आया, वो हंसते हुए कहे, वेटिंग भाई। एनीवेज आगे बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ। सो ये स्टोरी है वड़ा पाव गर्ल के बारे में। तो चंद्रिका दीक्षित एके वड़ा पाव गर्ल अब इंटरव्यू देने से पहले ये वेरीफाई करती है कि क्रिएटर उनकी इमेज नेगेटिव दिखाएगा या पॉजिटिव दिखाएगा। यस गाइस, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लिटरली ये पूछती हुई दिखाई दे रही हैं। आप खुद देखिए। माइक लगाने की परमिशन है ना आपको? मेरे भाई देंगे, आपकी आईडी देखेंगे, आप नेगेटिव वीडियो बनाते हो, पॉजिटिव वीडियो बनाते हो, पूरी चेक होगी उसके बाद। पहली बना रहे हो, नेगेटिव बनाओगे पॉजिटिव नहीं, जो हो वो दिखाना, कट पिट करके मत दिखाना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो क्या दीपक कलाल ने थाराबाई जोगिंदर एंड पुनी सुपरस्टार को एक्सपोज कर दिया? तो शायद आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले थाराबाई जोगिंदर एंड पुनी सुपरस्टार दीपक कलाल से सॉरी बुलवाए थे, जिसका वो वीडियो पोस्ट किए थे। सो इस कॉन्ट्रोवर्सी पर दीपक कलाल ने इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताई। वो अपनी स्टोरी में बताए, थाराबाई जोगिंदर एंड पुनी सुपरस्टार उनके प्लेस पर उनके साथ डिनर करने आए थे। दीपक ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे, तो थाराबाई जोगिंदर ने उनसे पूछा कि लाइव जाके कॉन्ट्रोवर्सी करते हैं। वो लिखे, पर मुझे रोस्टिंग पसंद है, कंट्रोवर्सी नहीं। मैं ड्रंक था, मुझे पता नहीं था उन्होंने क्या किया। सुबह मुझे पता चला कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया था। इवन दीपक कलाल 3 बार दोनों का बिल पे किए थे। बेसिकली दीपक कलाल बताए कि वो कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड थी और लोगों से अपील किए कि जोगिंदर को इग्नोर किया जाए। सो बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। तो क्या एल्विश यादव का ब्रेकअप हो गया है? बेसिकली ये सवाल लोग उनसे पूछते हैं क्योंकि आजकल वो सैड सॉन्ग ज्यादा सुनते हैं और अपनी स्टोरी पर भी पोस्ट करते हैं। सो इसका रिप्लाई करते हुए एल्विश यादव अपनी स्टोरी में क्या बताए, आप खुद देखिए। गाइस, जैसे मैं सैड सॉन्ग डालता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जिंदगी में कोई दुख है, इट्स जस्ट कि मेरे को स्लो म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं डालता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं भाई आपका दिल टूटेगा? नहीं भाई, कौन तोड़ेगा मेरा दिल भाई, दिल है कहीं पे मेरा किसी के पास, अदर स्टेट यू नो। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एल्विश यादव, तो आपको पता ही होगा कोलकाता का आरजी कर केस कुछ हफ्ते पहले टॉपिक ऑफ द नेशन बना हुआ था, बट अभी मुद्दा कहीं भटक चुका है, जिसको लेकर एल्विश यादव ट्वीट किए, बस इतना ही जोश था क्या? अब नहीं कर रहा कोई बांग्लादेशी हिंदुओं की बात, अब नहीं कर रहा कोई बंगाल आर केस की बात, ये भूल जाने की बीमारी जब तक हमें रहेगी तब तक देश की तरक्की मुमकिन नहीं। सो बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। सो एक बिहार के व्लॉगर राजा व्लॉग्स को ट्विटर पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। बेसिकली उनकी वाइफ का मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा था जिसका वो व्लॉग बनाकर डाल दिए थे। आप पहले वो छोटा सा क्लिप देखिए। क्या हो गया? ठीक हो जाएगा, वही गर्ल्स प्रॉब्लम देवी जी को हो गया है। सो इस पे किसी ने लिखा, इस एमकेएल ने अपनी बीवी के पीरियड्स की रील भी बना डाली, जूता कहाँ है मेरा। एनीवेज अब बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। तो आपको पता ही होगा लैंग्वेज को लेकर नॉर्थ एंड साउथ में काफी विवाद पास्ट में हुए हैं। जैसे नॉर्थ में लोग हिंदी बोलने पर ऑफेंड हो जाते हैं, तो रिसेंटली एक फॉरेन व्लॉगर जेनिफर का एक क्लिप काफी वायरल हो रहा था जिसमें वो 24 घंटे का कनाडा लैंग्वेज में बात करने का चैलेंज ली थी। हालांकि वो व्लॉग 1 साल पहले का था, बट रिसेंटली ये वीडियो वायरल इतना हुआ कि इस पे 1.4 मिलियन व्यूज चले गए। पोस्ट करने वाले का कहना था कि अगर जर्मन ये कर सकती है तो इंडियंस क्यों कनाडा लैंग्वेज नहीं सीख सकते और बोल सकते। सो इस पे यूट्यूबर पिपॉय का भी रिएक्शन आया। वो ट्वीट करते हुए कहे, कुछ बेंगलुरियंस ये वीडियो शेयर करने में बहुत ज्यादा बिजी हैं एंड पूछ रहे हैं कि एक जर्मन कर सकती है तो इंडियंस क्यों नहीं। लगता है वो भूल गए हैं कि लिंग्विस्टिक हीरोइज्म को लेकर हर किसी की अपनी चॉइस होती है। लैंग्वेज को सीखना बहुत अच्छा है, पर क्लिक्स के लिए फोर्स ना करें। साथ ही वो बताए कि ऑब्वियसली इसने ये कंटेंट के लिए किया है। एनीवेज अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली
अगली स्टोरी की तरफ। तो ये खुश कर देने वाली न्यूज हैरी पॉटर फैंस के लिए है। जी हाँ गाइस, HBO ओरिजिनल्स हैरी पॉटर की एडॉप्शन पर एक सीरीज बना रही है, जिसके लिए प्रोडक्शन हाउस कास्टिंग कॉल कर रहे हैं। यानी फिर से हमें हैरी पॉटर, हरमोइनी एंड रॉन के कैरेक्टर में न्यू फेसेस देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्त्री 2 के कलेक्शन के बारे में। तो अब तक स्त्री 2 बन चुकी है सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म इन इंडिया विद द हाईएस्ट कलेक्शन ऑफ 527.25 करोड़। स्त्री 2 ने गदर 2 एंड पठान को पीछे छोड़ दिया है, पर अभी जवान 582.31 करोड़ के कलेक्शन के साथ नंबर 1 पर बनी हुई है। तो क्या स्त्री 2 इसको क्रॉस कर पाएगी? कमेंट करके जरूर से बताना। तो बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। तो आपको राजवीर फिटनेस एंड रजत दलाल की कंट्रोवर्सी तो याद होगी ही। दोनों ने लोकेशन बहुत ज्यादा खेला था, जिसके बाद इंटरनेट पर लोग लफड़ा करते हुए लोकेशन करते हैं। तो इसी पर राजवीर फिटनेस रिएक्ट किए, आप खुद देखिए वो क्या कहे। तो भाई लोग, इंस्टाग्राम के ऊपर एक ऐसा वायरस चल चुका है जिसका नाम है लोकेशन दे मैं तेरी कान पकड़ूंगा, और उस वायरस के CEO है हम। तो भाई सारे भाइयों से बहनों से कान पकड़ के सॉरी, सबसे हाथ जोड़ के सॉरी। मेरे दोस्त ना, सारे दोस्त मेरे आसपास वाले सब मुझे गाली होते हैं, सब डांटते हैं कि तेरी वजह से हुआ है। ये जो हर दिन ये वीडियो आ रही ना अलग अलग लोगों की, लोकेशन दे मैं तेरी लोकेशन पे खड़ा हूँ, मैं तेरी लोकेशन पे 3 घंटे खड़ा हूँ। लड़कियां लड़कियों को लोकेशन दे रही है और 1 vs 1 के चैलेंज हो रहे हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे आजकल देखो तो यही देखने मिल रहा है कि मैं तेरी लोकेशन पे, तू मेरी लोकेशन पे आ जा। तो भाई वायरस तो फैल गया, इसका कुछ इलाज करा जाए। इलाज क्या हो सकता है वो आप बताओ। इसका इलाज सिर्फ ये है, जो ये काम करे ना उन्हें देखना बंद कर दो, पर पब्लिक भी इतनी हरामियों से मजा आता है एंटरटेनमेंट में, क्या कर सकते हैं। तो भाई एंटरटेनमेंट बन के रह गए, लोकेशन बाकी तो कुछ नहीं है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लॉन्ग वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक एंड कमेंट जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।